Zombie apocalypse. हेलो गाइस, तो कैसे स्वागत है मेरे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जो सिर्फ और सिर्फ हमारे नूब भाई बहन ही कर सकते हैं। तो ऐसे नूब कई तरह के होते हैं और नूब का जिक्र हमें हर एक गेम में मिलता है, ठीक है। तो ऐसे बिना टाइम को वेस्ट करते हुए सबसे पहले वाली की तरफ बढ़ेंगे। तो ऐसे सबसे पहले तो यार हम लोग बात करेंगे नूब्स के अटैक के बारे में। तो गाइस यार वो अटैक कैसे करते हैं, मतलब गाइस यार वो लेके जाएंगे कॉम्बिनेशन उनका, देखो खाली बलून लेकर जाएंगे, फिर उसके बाद जायंट लेकर जाएंगे, फिर आर्चर भी लेकर जाएंगे और फिर तो ड्रैगन भी लेकर जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा उनका कुछ वियर्ड कॉम्बिनेशन होता है अटैक का। और सबसे बढ़िया बात तो ये होती है कि यार उनको पता ही नहीं होता भाई कि यार अटैक कैसे करना है, फिर भी वो उस अटैक को ट्राई करेंगे, उस स्ट्रैटेजी को ट्राई करेंगे। मतलब गाइस यार बहुत ही वियर्ड स्ट्रैटेजी बनाकर लेके जाएगा, जैसे गॉब्लिन, बारबेरियन, आर्चर और फिर उसके साथ एयर ट्रूप्स, और फिर उसके साथ लेगा कुछ एयर ट्रूप्स जैसे बलून, ड्रैगन, बेबी ड्रैगन, तो ऐसे ऐसे लेकर यार अटैक करेगा। तो ऐसे जैसे कि आपको पता है हमारे क्लैश ऑफ क्लैंस के गेम में बहुत सारे नूब्स अवेलेबल है अभी भी है। तो गाइस यार बात कुछ ऐसी है कि यार यहाँ पर कुछ ऐसे नूब है, जैसे समझ लो मेरा है TH9 और वो जो बंदा है वो है TH11 और वो भी वो अपने दोस्त से उधार मांग के लेके आया है। और वो जो TH11 वाला बंदा है उसको गलती से मेरा बेस मिल जाता है, मगर उसको उसके पास यार बहुत ही अच्छी आर्मी कंपोजिशन भी होती है, मगर वो अटैक बिल्कुल भी नहीं कर पाता, 0 स्टार लेकर यार वो वापस चले जाता है और उसको कहते हैं हम नूब जिसको अटैक करना नहीं आता। तो ऐसा चल यार बढ़ते हैं दूसरे वाले की तरफ। तो ऐसे दूसरे में हम लोग बात करने वाले हैं अटैक स्ट्रैटेजीज़ के बारे में। तो वैसे ये जो नूब बंदे होते हैं ना जिसको यार खेलना नहीं आता यार, तो वैसे वो बेसिकली एक ही अटैक स्ट्रैटेजी से यार पूरा अपना काम चलाते हैं, मतलब यार उनको और कोई अटैक नहीं आता, उनको एक अटैक में बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, तो वो सिर्फ एक ही अटैक को यार बार बार दोहराते जाते हैं। कभी भी कोई भी नया वाला जो अटैक स्ट्रैटेजी होता है वो लोग नहीं सुनते या फिर करते भी नहीं, कुछ अटैक ही नहीं करते और उसके बारे में सोचते भी नहीं, क्योंकि यार उनको पता है कि यार मेरा जो फेवरेट अटैक स्ट्रैटेजी है वो जो मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ वही मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है, मुझे यार नए वाले स्ट्रैटेजी की कोई ज़रूरत नहीं है। तो गाइस यार नूब जो होते हैं ना वो यार कभी भी नए नए अटैक स्ट्रैटेजीज को ट्राई नहीं करते और इसीलिए यार यही बात तो उन्हें नूब बनाती है। तो गाइस यार चलो यार बढ़ते हैं तीसरे की तरफ। तो ऐसा तीसरे में हम लोग बात करने वाले हैं रश बेस के बारे में। तो गाइस यार आपको पता ही है नूब लोग ही रश करते हैं ज़्यादातर, ठीक है, उनको पता नहीं होता भाई कि यार कौन सा चीज़ पहले अपग्रेड करना है, तो वो भाई साहब लोग क्या करते हैं मतलब टाउन हॉल अपग्रेड पे लगाते हैं, फिर उसके बाद 2-3 चीज़ अपग्रेड करते हैं, फिर उनको यार अपना बेस जो है ना उसमें यार चमकती हुई चांद नज़र आ जाती है और उनको लगता है कि यार हाँ मेरा बेस मैक्स आउट हो चुका है, तो चलो यार टाउन हॉल को बढ़ा देते हैं। तो ऐसे करके यार वो लोग रश कर देते हैं, ठीक है। और कैसे नूब लोग को यार रश करते समय यार कुछ भी नहीं पता होता है कि यार आगे क्या होने वाला है, उनका जो वेट है वो बढ़ने वाला है, मतलब बेस का वेट, और तो और जब वो अटैक करने जाएंगे तो यार उनका जो लूट होगा ना वो बहुत ही ज़्यादा डिक्रीज होते हुए नज़र आएगा उनको। तो ये सारी चीज़ों के बारे में यार नूब को पता नहीं होता है और वो रश करते रहते हैं। तो ऐसे चलो यार बढ़ते हैं फोर्थ की तरफ। तो ऐसे फोर्थ में हम लोग बात करने वाले रिक्वेस्टिंग जेम्स। तो ऐसे बहुत सारे नूब ऐसे होते हैं जो यार आर्चर क्वीन, बारबेरियन किंग प्लस रिक्वेस्ट जेम भी करते हैं, ठीक है। वो लोग बोलते हैं भाई मुझे थोड़ा जेम दे दे, मुझे थोड़ा रिसोर्स दे दे, मुझे अपनी आर्चर क्वीन दे दे, मुझे अपनी बारबेरियन किंग दे दे। तो ऐसे नूब प्लेयर तो यार हमारे क्लैश ऑफ क्लैंस में भरपूर है, आपको यार हर जगह में आपको देखने को मिलेगी। तो ऐसे एक्चुअली इनको पता नहीं होता कि यार कभी भी हम लोग जेम और रिसोर्स या फिर किंग क्वीन किसी को भी हम डोनेट नहीं कर सकते, और यही तो है नूब की खासियत कि यार उनको ये सारी चीज़ों के बारे में नहीं पता होता है फिर भी वो रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो यार ये थी कुछ चार चीज़ें जो यार सिर्फ और सिर्फ हमारे नूब भाई बहन ही कर सकते हैं। अगर आप लोग जानते हो किसी नूब प्लेयर को तो इस वीडियो को शेयर कर दो यार उनके साथ, देखने दो उनको। एंड गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो भाई इस वीडियो को लाइक मारो, इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दो और हाँ नू प्लेयर के साथ भी। तो अगर आप लोग यार नए हो तो भाई सब्सक्राइब मारो, बेल आइकन को दबाओ। मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए प्ले गेम्स, स्टे कॉमेडियन, ऑलवेज बी कॉमेडियन, पीस आउट। हे गाइस अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो यहाँ पर आप दबा के सब्सक्राइब कर सकते हो, जल्दी से यार मेरे चैनल को ज्वाइन कर लो क्योंकि यार हमारी चैनल सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फैमिली है क्लैश ऑफ क्लैंस कम्युनिटी में।